नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं हम बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर मैं आपको अपने संजीवनी गार्डन में लेकर के आई हूँ फ्रेंड, ये प्लांट के साथ। ये प्लांट तो आप देख के जान ही गए होंगे कौन सा प्लांट है। ये पार्चुलेका का प्लांट है फ्रेंड, और इसको 9 o'clock भी बोलते हैं, इसको इम्प्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये 9 बजे दिन में खिल जाता है, तो इसलिए इसको 9 o'clock भी लोग बोलते हैं। और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखता है फ्रेंड। अगर आप अपनी बालकनी में लगाते हैं इस प्लांट को, तो बालकनी की शोभा ही बढ़ जाती है, ये काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसमें जो मैं खाद डालती हूँ फ्रेंड, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ जो मैं प्लांट में अपने खाद डालती हूँ, वही खाद मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं अपने पौधे में पानी, जो आप लोग हैं रोज़ ही डालते होंगे, तो मैं जो इसमें पानी डालती हूँ फ्रेंड, उस कौन सा पानी डालती हूँ, ये सब मैं बताऊँगी। वीडियो में अंत तक रहिएगा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है फ्रेंड, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और जो मैं इसमें पानी डालती हूँ फ्रेंड, इससे देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करती है, और काफ़ी अच्छा पत्तियों में शाइनिंग भी रहता है, फूल के साइज़ भी काफ़ी बड़े होते हैं, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको फ्लावरिंग चाहिए, तो आप जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से अपने पौधे में पानी ज़रूर डालिएगा। इससे पहले मैंने इसका वीडियो बना के दिखा चुकी फ्रेंड, मैंने कौन सा खाद में इसको लगाया है। तो अब उस खाद में आप लगाने के बाद बस सिंपली आपको कौन सा पानी डालना है जिससे आपका पौधा काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेगा, ये आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अंत तक देखिएगा फ्रेंड, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत है ये फ्लावर, एकदम ओरिजिनल कलर है, ऐसा नहीं कि कोई धुंधलापन है पत्तियों में या कुछ ऐसा, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर पत्तियां एकदम ताज़ी हैं, देख के लग रहा है एकदम पूरी स्वस्थ है, पौधा जो भी है काफ़ी स्वस्थ है, फूल भी काफ़ी खूबसूरत हैं, स्वस्थ हैं। इसके कलर भी देख के आप बता सकते हैं कि एकदम ओरिजिनल कलर भी है, और इसकी पत्तियां भी एकदम ओरिजिनल दिख रही हैं फ्रेंड, एकदम जैसे लगता है एकदम शाइनिंग कर रही हैं। तो आप जब भी इस पौधे को लगाते हैं फ्रेंड, तो आप मैं जो बता रही हूँ वही वाला पानी डालिएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने भिगा के रखा है दाल, दाल आप कोई भी हो, घर के कोई भी दाल हो, आप उसको 1 मिनट के लिए केवल पानी में छोड़ दीजिए। 1 मिनट छोड़ने के बाद पानी में आप उसको बस केवल धुल दीजिए, धुलने के बाद आप दाल को छान दीजिएगा। और इसी तरीके से फ्रेंड, ये देखिए चावल है, चावल के पानी को भी आप फेंकिएगा मत, इसको भी आप छान करके रखिएगा, क्योंकि ये सब हमारे पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप ये पौधे में डालते हैं तो पौधा बहुत ही अच्छा स्वस्थ रहेगा और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। रोज़ खाद देना संभव नहीं है, तो फ्रेंड आप अगर सादा पानी डालते हैं तो आप पानी सादा मत डालिएगा, आप यही वाला पानी रखिए और यही पानी डालिएगा, क्योंकि पौधे को हर दिन पानी चाहिए। तो फ्रेंड मैं तो यही कहूँगी कि आप ये पानी कभी भी वेस्ट मत करिए, इस पानी को आप ज़रूर रखिएगा अपने प्लांटेशन के लिए, क्योंकि जो भी मैं पौधा लगाई हूँ बालकनी में लगाई हूँ फ्रेंड, तो बालकनी में लगाई हूँ तो डेली सादा पानी से काम नहीं चलेगा, पौधे का पेट नहीं भरेगा। तो आप इस तरीके से जो भी किचन से आपका वेस्ट निकलता है उसको इकट्ठा कर लीजिए। ये दाल के पानी को मैंने छान लिया फ्रेंड, और इसी तरीके से दाल चावल के पानी को भी छान लेंगे। बस यही किचन का वेस्ट हमारे निकला, जो देखिए थोड़ा धुंधला धुंधला पानी हो गया है, इसी में इस पौधे का पूरा ताकत है। जो पौधे में हम डालेंगे, पौधे का पूरा भोजन है यही पानी। इसको निकालने के बाद फ्रेंड बस मैं अपने सिंपली पौधे में डाल देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। अगर इस तरीके से आप किचन वेस्ट से ही निकला अगर पौधे में डालते हैं पानी, तो आपका पौधा काफ़ी स्वस्थ रहेगा, काफ़ी सुंदर दिखेगा। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ, ट्राई भी करती हूँ कि मेरे पौधे को क्या चीज़ सूट करता है। तो फ्रेंड अगर आप पार्चुलेका का प्लांट लगाते हैं, तो आप इसमें ज़रूर ये किचन वेस्ट का ही पानी डालिएगा, सादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपके पौधे काफ़ी अच्छे दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे, पत्तियों में शाइनिंग भी रहेगी, आप फूल भी एकदम ओरिजिनल खिल के आएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड, तो आप सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी तरह मेरे पौधे काफ़ी स्वस्थ और हेल्दी रहते हैं। थैंक्स।